बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, इसमें मैंने मीठा डाल दिया है। दूध उबल चुका है, मीठा अपने हिसाब से रखिएगा आप लोग। यहाँ मैंने ग्रीन जेली जमा के रखी है, रेड और ये ग्रीन है। कस्टर्ड पाउडर मैंने 5 से 5.5 चमचे लिए हैं। अब दूध अच्छी तरह जब पक जाएगा तो ये कस्टर्ड पाउडर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल के अच्छी तरह मिलाऊँगी और ठंडा करने के रख दूँगी। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो गया है और इसके अंदर जो है ये सिवैयाँ भी हमारी पास्ता सिवैयाँ गल गई हैं। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये देखें हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना आए और ये ठीक हो जाए। ये हमने वनीला कस्टर्ड लिया था, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। अभी हम 2 मिनट इसको पकाएंगे। चलें ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है और हमने इसको ठंडा कर लिया था फ्रिज के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसकी ये कितना ठीक बना है। ये देखिए अब हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करते हैं। ये हमने क्रीम फेंट के रखी हुई है, इसके अंदर हम ये कॉकटेल शामिल करेंगे। और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कॉकटेल और क्रीम। अब इसके अंदर ये कलरफुल जेली शामिल करेंगे, रेड ग्रीन, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारे ईद त्यौहार पे तो ख़ास तौर पे यही बनाई जाती है। अब हम इसमें कुछ फ्रूट शामिल करेंगे, बनाना, बाकी तो कॉकटेल में है ही सारे फ्रूट्स, गुलाब जामुन मिक्स करेंगे। अब गार्निश के लिए हमें इसमें हमने किशमिश लिए हैं और बादाम लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं, नट्स और ये चॉकलेट चिप्स शामिल कर रहे हैं इसमें गार्निश के लिए। मज़ेदार लब्बी शीरी हमारी तैयार है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ दोबारा इसी चैनल पर। अल्लाह हाफिज़।